क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को धोती कुर्ते में क्रिकेट खेलते हुए देखा है? शायद से नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देखने को मिला है। क्यों ना इस खबर पर नजर डाल ली जाए, आखिर ये पूरी खबर है क्या? नमस्कार, जनतंत्र डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को धोती और कुर्ते में खेलते हुए देखा गया। खिलाड़ी पिच पर धोती और कुर्ते पहनकर भागते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता की शुरुआत संस्कृत के मंत्रोच्चारण से की गई थी। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट कमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में हुई थी। आयोजनों ने बताया, प्रतियोगिता की शुरुआत टेबल टेनिस से की गई थी। फाइनल मैच में प्रथम विजेता को 31,000 और दूसरे विजेता को 21,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया था। हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने मैच के आयोजनकर्ता से खास बातचीत की, आइए नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंकुर खेल ग्राउंड पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर धोती कुर्ता पहनकर एक क्रिकेट खेला जा रहा है। आपने तस्वीरों में शायद इससे पहले कभी ना देखा हो, धोती कुर्ता में यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी जो कमेंट्री हो रही है वो भी संस्कृत में हो रही है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है, कमेंट्री भी संस्कृत में की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है इस क्रिकेट की कि इस टीम का जो भी विजेता होगा उसको विजेता टीम को अयोध्या भेजा जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आयोजनकर्ता। सर, क्या खासियत है आज के इस क्रिकेट की? इस क्रिकेट की ये चौथी वर्ष है, तीन वर्ष पूरे हो गए, चौथी वर्ष है इस बार। और ये महर्षि कप है, ये इसलिए करा रहे हैं, इसको संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारा मेन उद्देश्य है। संस्कृत और संस्कृति को आप देख रहे हैं, सभी ब्राह्मण लोग यहाँ खेल रहे हैं, धोती कुर्ता में, ललाट पे, त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष माला धारण करके सब खेल रहे हैं। और इस बार हमने विशेष तौर पर जो टीम विजेता होगी ना उसको अयोध्या जाने का हमारी व्यवस्था रहेगी। उसको अयोध्या में भगवान राम लला के दर्शन हम कराएंगे। आना जाना खाना सब व्यवस्था हमारी रहेंगी, सब आना जाना रहना सब व्यवस्था हमारी रहेंगे, लोग जाएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पंडित सारे जो है यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबका जो पहनावा है वो बिल्कुल अद्भुत है, धोती कुर्ता में। जो वहाँ मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो दर्शक दीर्घा में हैं, वो भी सब धोती कुर्ता पहनकर यहाँ सब पहुंचे हुए हैं। और पूरी कमेंट्री भी जो है संस्कृत में की जा रही है। और जो विजेता टीम होगी उसको अयोध्या भेजा जाएगा, भगवान राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी भोपाल। लोगों ने जब देखा कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी लोवर टी शर्ट में नहीं बल्कि कई रंगों का धोती कुर्ता पहने हैं तो वो रोमांच से भर उठे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों की टीमें भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि इस खास तरह की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बीते 3 साल से कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य की कई और टीमें भी शामिल होती हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जनतंत्र डिजिटल के साथ।